ला ऑर्गेनो के दो प्रोडक्ट्स मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे से फिट हो गए हैं मेरे स्किन केयर रूटीन में। आजकल करीबन एक महीने से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिव्यू मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी इस वीडियो में। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मुझे रिव्यू के लिए आए थे और मेरा जो रिव्यू रहेगा एकदम ही ऑनेस्ट रहेगा। जो भी इसमें खामियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, ये दोनों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ताकि उस बेसिस पे आप इनको आगे जाके परचेज कर सकें। इनकी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से ये दो प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो एप्पल सिडर विनेगर का फेस वॉश है और सेकंड है ला ऑर्गेनो का फेशियल सीरम, विटामिन सी सीरम है ये। ये एक और प्रोडक्ट मेरे पास में ला ऑर्गेनो का आ गया था। एक्चुअली कंपनी वाज सो काइंड कि उन्होंने मुझे हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट भी दिया था इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ में। मैं साथ साथ वीडियो में अपने स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ, उसमें इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पहले प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया एप्पल सिडर विनेगर का ये फेस वॉश। एप्पल सिडर विनेगर बहुत ही अच्छा रहता है आपके एक्नेस के लिए, पीएच बैलेंस को एकदम ही मेंटेन करके रखता है। तो क्योंकि इसमें ये था एप्पल सिडर विनेगर, तो वो एक्चुअली ये क्लेम भी यही करता है कि आपकी जो स्किन है उसको प्योरीफाई करता है, एक्नेस की जो प्रॉब्लम है उनको भी हटाता है, पिंपल्स या एक्ने जिट्स जो भी होते हैं उसके बाद में ये जो आपका बैलेंस करता है स्किन ऑयल्स को, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या सीबम प्रोडक्शन ना हो सके और जिसकी जैसे आपके पिंपल्स या जिट्स या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कुछ स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी ये रेक्टिफाई करता है, ऐसे ये क्लेम करता है। जो इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है एप्पल सिडर विनेगर एक्चुअली और एलोवेरा जेल, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, रोज इन्फ्यूजन। ये सारे जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं हमारे स्किन के लिए। इट इज़ सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री है, तो आप बेशक बिना झिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश की जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ये यूजुअली कई बार ही बहुत ही हार्ड रहता है इसका सरफेस, वो वैसा नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप पंप कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट को, यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है, हालांकि यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि मैं दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया था, अदरवाइज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में आप अपने फेस पे लगा सकते हैं इसको। इस प्रोडक्ट की खुशबू वैसे आती है जैसे एप्पल फिल्स पीते हैं, वैसे ही इसी टाइप की खुशबू आती है, एप्पल से रिलेटेड ही खुशबू आती है बहुत ही, और बहुत ही माइल्ड खुशबू है, बिल्कुल भी आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर एकदम चोक नहीं करती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। इसके 100 ग्राम्स की कॉस्ट 499 रुपीज़ इसमें प्रिंटेड कॉस्ट है। एक्चुअली अमेजोन में या फिर ऑनलाइन में आप देखेंगे तो इनकी कॉस्ट वैरी कर जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है विटामिन सी फेशियल सीरम। ये जो है प्रोडक्ट क्लेम करता है कि एंटी एजिंग है और ब्राइटनिंग सीरम है। एक्चुअली इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो फाइन लाइन्स है, रिंकल्स की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो स्किन है उसको सपल बनाता है और हाँ इसीलिए वो एंटी एजिंग कहलाता है, सारे स्किन टाइप्स के हिसाब से है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, कार्बोपोल, बेंजोइक एसिड, ग्लिसरीन और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और ये नेचुरल है, सेफ है, नो सिलिकॉन और नो पैराबेन है इसमें। 30 ml की बॉटल है और इसकी जो प्रिंटेड कॉस्ट है वो है 1049। अगेन ऑनलाइन आप परचेज करते हैं तो इनकी कॉस्ट वैरी हो जाती है और आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। विटामिन सी अगर आप देखेंगे इसकी ग्लास बॉटल में पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, ब्लैक कलर की बॉटल है, फेवरेट कलर ऑब्वियसली, और पंप इसका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की बॉटल पे कैप दी है, नेचुरली कोई भी एयर इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर ना जा सके। इसके लिए यहाँ पे मुझे बहुत ही थॉटफुली आइडिया लगा कि यहाँ पे आपके इसके पैकेजिंग के हिसाब से आप इसको कवर भी कर सकते हैं, यहाँ से जब भी आपको यूज़ करना है इस बॉटल कवर को आप हटा दीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आप नेचुरली यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी सीरम को। थर्ड प्रोडक्ट जो आया था वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं बहुत सारे अपने DIYs में भी यूज़ करती हूँ एंड मैं पर्सनली लाइक इट। मेरे को रॉ एलोवेरा जेल नहीं सूट होता है तो ऑलवेज गो फॉर द मार्केट बेस्ड, एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ इसको। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपकी जो स्किन है उसको नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, सूद आउट करता है और ये सारे स्किन टाइप के लिए है। 99% एलोवेरा जेल है एंड इट डज नॉट हैव एनी सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, कलर एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। नाउ दैट इज द ग्रेट थिंग। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस से एक अलग सी स्मेल आने लगती है आपके प्रोडक्ट में जो कि यूजुअली मुझे पसंद नहीं आती। ये बॉटल 120 ml का है और इसकी जो कॉस्ट है 299 रुपीज़ है।
इसको अप्लाई करने का तरीका है नॉर्मल जैसे हम फेस वॉश यूज करते हैं यूजुअली, जो भी आपका प्रेफर्ड मेथड रहे उस हिसाब से आप इसको यूज कर लीजिएगा। इस फेस वॉश को मैं दो बार यूज करती हूँ, सुबह के टाइम में और एक रात के टाइम में। सुबह के टाइम में और रात के टाइम में दोनों ही बारी आपके जो स्किन है बहुत सारी गंदगी ले लेता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी स्किन अच्छे से साफ करनी होती है एक बार सोने के पहले और एक बार सोने के बाद में। विटामिन सी सीरम मैं रात को जब फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बाद में मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन के ऊपर, और बस उसके बाद में एक मॉइस्चराइज़र कुछ लगा लिया और उसके बाद मैं सो गई। ला ऑर्गेनो का ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इट एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि जब मैंने इसको स्किन पे लगाया, यूजुअली कोई भी फेस वॉश जब ये क्लेम करता है कि ये एंटी एक्ने है या फिर एक्नेस को क्योर करने वाला है, आपके जो स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको एकदम इरेडिकेट कर देता है, उनको हटा देता है, ताकि आप जब भी फेस वॉश लगाते हैं तो आपके स्किन पे ऐसा लगता है कि आप एकदम ही सूखा मैदान हो गया है। ऐसा मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है फेस वॉश एप्पल साइडर विनेगर का है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को एकदम ही सूखा नहीं कर देगा, ड्राई आउट नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ड्राई स्किन वाले भी ये लगा सकते हैं। ऑयली स्किन के ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जो एक्नेस वाली स्किन रहेगी उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ओपन करने साथ जो इसकी खुशबू आती है कुछ जैसे फूल टाइप की खुशबू आती है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें है इंक्लूडेड कि नहीं है, पर ऐसी एक खुशबू आती है फूल टाइप की खुशबू। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि ये अगर आप अप्लाई करते हैं आपके स्किन के ऊपर, जो कि मैं सुबह के टाइम आफ्टर द फेस वॉश इसको अप्लाई करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्किन एकदम ही स्मूथ रहती है। इस जो ये जो प्रोडक्ट है ये देखिए आप कितनी आसानी से ग्लाइड कर जाता है, और यहाँ पे मैं आप इसको लगा के देख रही हूँ और बहुत ही जल्दी आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, बहुत जल्दी आपके स्किन के अंदर मिक्स हो जाता है, आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी ये पेनिट्रेट कर जाता है, एकदम एब्जॉर्ब खींच लेता है, जैसे आपके जो स्किन सेल्स रहेंगे ना वैसे खींच लेगा इसको, और वो एकदम ही एकदम आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके स्किन के ऊपर कुछ लगाया है, मतलब आपकी जो स्किन है वो स्टिल इट इज़ ब्रीथिंग, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात को नेचुरली आपकी स्किन को ब्रीथ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खुशबू एकदम ही सिट्रस जैसी है, बहुत ही ज़्यादा सिट्रस सी और हल्की सी माइल्ड सी खुशबू है, बहुत जल्दी वो खुशबू भी उड़ जाती है, तो आप लोगों को बॉदर होने की ज़रूरत भी नहीं इसमें। विटामिन सी सीरम ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगा, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे मैं अभी 40s में रीच कर रही हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बोलूँ कि एकदम से ही फाइन लाइन्स या रिंकल्स या एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे स्किन के ऊपर दिख रही हैं, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। विटामिन सी सीरम बहुत ही ऐसा यूज़ करना चाहिए कि अगर हाईली सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट पहले करो, क्योंकि विटामिन सी है इसमें, तो जिसकी वजह से आपके जो स्किन है उसमें एलर्जीज हो सकती हैं या फिर इचीनेस हो सकती है या फिर रेडिशनेस आ सकती है। ये चीज़ें एटलीस्ट इसने मुझे अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करी हैं, हालांकि हल्का जो स्किन रहता है उसमें हल्के मेरी क्योंकि ऑलरेडी रेडिश स्किन रहती है, नेचुरल ब्लश रहता है मेरे स्किन के ऊपर, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हल्का सा रेड देता है, लेकिन थोड़ी सेकेंड्स के बाद में वो नेचुरल नॉर्मल हो जाता है, मॉइस्चराइज जब मैं कर लेती हूँ वो नॉर्मल स्किन आ जाती है मेरी। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि विटामिन सी सीरम को हालांकि मैं और ट्राई करूँगी, ये अभी यहाँ तक फिनिश हो चुका है, इतना फिनिश हो चुका है, थोड़ा से ही यूज़ करना है, रात को ही यूज़ करती हूँ, बहुत जल्दी बॉटल ख़त्म नहीं हुई अभी, तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे टाइम लेगा समझने में, हालांकि मैं ये बोल सकती हूँ कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर फेस वॉश यू हैव टू यूज़ इट वंस बिफोर स्लीपिंग, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप दो चार महीने आप इसको यूज़ करिए तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये बेनिफिशियल रहेगा आपके स्किन के ऊपर। बात करते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में, एक्चुअली मुझे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉन्स ऐसे दिखे नहीं हैं, हालांकि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सुपर ड्राई स्किन होगी तो शायद आपको इतनी बेनिफिशियल नहीं रहे ये वाला, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, लेकिन हाँ क्योंकि ये बैलेंस करता है आपके पीएच बैलेंस को, तो हो सकता है कि आप यूज़ करके देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल्स जो है आपके स्किन के ऊपर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है एज़ पर माय एक्सपीरियंस गोज। अगर बात करें इनके प्राइसिंग की तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझको एज़ पर द क्वान्टिटी, और बहुत सारे फेस वॉश हैं मार्केट्स में अवेलेबल जो बहुत ही लोअर कॉस्ट में आते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं एक्नेस की जिट्स की प्रॉब्लम अगर आपके स्किन के ऊपर है। अगर इसको ऑनलाइन आपको छोटे सैंपल में मिल रहा है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका छोटा सैंपल है अवेलेबल कि नहीं,
अगर होगा तो मैं उसका लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगी। फ्रेग्रेंस ही हो सकती है इसके नेगेटिव पॉइंट्स, मुझे और कोई कॉन्स दिखे नहीं है। सूद आउट करता है, ठंडक देगा, गर्मी आ रही है आपकी स्किन को जरूर से ये ठंडक देने वाला है। मुझे यूजुअली इसकी पैकेजिंग भी पसंद आई है, तो मैं नहीं सोच सकती इसमें और कोई कॉन्स हो सकते हैं। विटामिन सी सीरम में मैं आप लोगों को दो कॉन्स बताऊंगी, हालांकि एक कॉन तो मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो मैं कौन आपको पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले तो इसकी ग्लास पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल में है, तो हाँ गिर सकता है। हालांकि एक और चीज़ बता दूँ इसके ही कॉन्ट्रडिक्टरी में कि ग्लास पैकेजिंग होनी ज़रूरी है विटामिन सी सीरम में, इसीलिए ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं आप ऐसे रखें अच्छे से तो आप सोच के रखें कि ये गिर ना जाए। चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगी कि जब आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो हल्के देर के लिए वो स्टिकीनेस रहती है, स्टिकीनेस जब तक आप लगा रहे होते हैं, फिर से वो जब एयर के कनेक्शन में आता है तो वो स्टिकीनेस हट जाती है। यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें। और बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव स्किन होगी अगर आपकी, तो आप प्लीज़ पैच टेस्ट कर लें। ये सारे प्रोडक्ट्स अगर किसी की ज़रूरत में आ सकते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। कमेंट डाउन कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई डाउट होगा इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। और लिंक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप ज़रूर जाके उन लिंक्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स को। एक बार शॉट ज़रूर दीजिएगा, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करिएगा और मेरे साथ में फिर से अपना फीडबैक शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे अगले वीडियो आने तक इंतज़ार करना। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।